हाँ सर, क्या आपने तस्वीर देखी जो मैंने आपको भेजी थी? हाँ देखी थी, उसकी शक्ल तो बिल्कुल मरिया जैसी है, बस पाल चाल और ढंग बदल दो और बन गए मरिया। एग्जैक्टली सर। सर इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा। महेंद्र को तो हम इतने साल से नहीं पकड़ पाए, हर वक्त बच जाता है जस्ट बिकॉज वी डोंट हैव गॉड डैम प्रूफ्स। पर रणवीर तुम समझ रहे हो कि तुम क्या मांग रहे हो? हम एक मामूली लड़की की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाले हैं, उसकी जान अब हमारे हाथ में होगी। वैसे कैसी है वो लड़की? सर लड़की का नाम ईशा है, वो अपनी बहन और जीजा जी के साथ रहती है, पुदार कॉलेज में है सर फाइनल ईयर के। सर लेकिन बहुत गंदे मार्क्स लाती है। रणवीर मुझे ये सब से कुछ लेने देना नहीं है, बस ये बताओ कि ईशा हमारा काम कर सकती है कि नहीं। सर बिल्कुल सर, सर इसके सिवा हमारा काम कोई भी नहीं कर सकता। सर वैसे लड़की बहुत चालाक है, अपनी बहन का पुलिस ऑफिसर होने का पूरा पूरा फायदा उठाती है। सर लेकिन प्रॉब्लम एक ही है सर, सर उसे मनाएंगे कैसे? उसे कैसे कहेंगे किसी के साथ तुम्हें प्यार का झूठा नाटक करना पड़ेगा? रणवीर तुम एक काम करो, तुम उसे महेंद्र का प्रोफाइल दिखाओ, उसे ये दिखाओ कि क्यों महेंद्र प्रताप ये देश का सबसे बड़ा गुंडा है। यस सर, लेकिन कोई गलती हो गई तो? सर इन आधा लड़के अपनी जान से हाथ धो बैठेगी सर, सर इसी चीज का डर है और कुछ नहीं। रणवीर तुमने मुझे 5 साल पहले महेंद्र को पकड़ने का वादा किया था, नाउ दिस इज योर चांस। पर अगर वो लड़की मर गई तो समझ लो हमारी एजेंसी खत्म हो जाएगी। आई एम काउंटिंग ऑन यू। यस सर, डोंट वरी सर, मैं आपको और अपने देश को निराश होने नहीं दूंगा। थैंक यू सर, चलता हूं।